मुंबई महाराष्ट्र की फटाफट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। एनआईए का गंभीर आरोप, सचिन वाजे ने हिरेन की हत्या के लिए प्रदीप शर्मा को दिए थे 45 लाख रुपए। मुंबई में 24 मंदिरों और 950 मस्जिदों को मिली लाउडस्पीकर की अनुमति, मुंबई पुलिस ने जारी किए आंकड़े। केंद्र मंत्री दानवे की टिप्पणी पर राउत ने किया पलटवार, कहा बाल ठाकरे ने महाराष्ट्र को दिया था पहला ब्राह्मण मुख्यमंत्री। महाराष्ट्र सरकार के सामने नई चुनौती, राज ठाकरे को मिल रहा शिव सैनिकों का समर्थन। महाराष्ट्र के मौलवियों का फैसला, सुबह की अजान बगैर लाउडस्पीकर। 13 दिन बाद पत्नी को हॉस्पिटल बेड पर देख कर रोए विधायक रवि राणा, एक दूसरे का हाथ पकड़ दिया सहारा। पानी की किल्लत से परेशान होकर पति का घर छोड़ मायके जा रही लड़कियां, एनएचआरसी ने कहा ये मूल अधिकारों का उल्लंघन। सुप्रीम कोर्ट का महाराष्ट्र सरकार को झटका, दो हफ्ते के अंदर महानगर पालिका चुनाव की तारीखों का ऐलान करने का आदेश। मेडिकल छात्रों को MUHS का आदेश, अब एक ही कॉलेज से करना होगा MBBS कोर्स। उत्तर भारतीयों से माफी मांगे राज ठाकरे, नहीं तो मैं उन्हें अयोध्या नहीं आने दूंगा। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह की MNS प्रमुख को चेतावनी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए एंटी करप्शन न्यूज के साथ।